जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में 7 मई को चुनाव होने वाला है और इसके लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। चुनाव से पहले स्टार प्रचारकों की सभाएं भी होने लगी है और इसी कड़ी में 30 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चांपा पहुंचेंगे। भाले राय मैदान में चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इकलौती सीट जांजगीर चांपा है, जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। यहां भाजपा की ओर से पीएम मोदी की सभा हो चुकी है। अब कांग्रेस की बड़ी सभा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है और सभा से पहले चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। ये अब माहौल पूरी तरह से गर्माने लगा है और 7 मई को जो है जांजगीर चांपा लोकसभा में चुनाव होना है, इसको लेकर वीआईपीस के दौरे लगातार हो रहे हैं। भाजपा की ओर से पीएम मोदी इस क्षेत्र में आ चुके हैं। अब कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभा 30 अप्रैल को होने वाली है। इसकी तैयारियां जो है भाले राय मैदान में चल रही है, पंडाल बनाया जा रहा है, वृहद स्तर पर तैयारियां हैं। कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है खड़गे जी का, किस तरह से आप लोगों की तैयारियां चल रही है। खड़गे जी की आमसभा भाले राय मैदान में दोपहर को आयोजित है। तैयारी हमारी बैठक की व्यवस्था, करीब 20,000 लोगों की बैठक की व्यवस्था भाले राय मैदान स्टेडियम में किया गया है। जांजगीर चांपा लोकसभा जो है वो एक प्रकार से भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, कांग्रेस में भी तो कोई बड़ी सभा नहीं हुई, ये जो खड़गे जी की सभा है ये बड़ी सभा होने वाली, किस तरह का माहौल बनेगा, खड़गे जी क्या माहौल बनाता है? चूंकि प्रदेश में एकमात्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित यह सीट जांजगीर लोकसभा है। जांजगीर लोकसभा में खड़गे जी भी उसी समुदाय को बिलोंग करते हैं, इसलिए 8 विधानसभा में हमारा कब्जा होने के नाते हमें उम्मीद है कि डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस जांजगीर लोकसभा में अगर खड़गे जी की आमसभा होती है तो हम इस जांजगीर लोकसभा को इस बार फतह करने के लिए पूरी तरीके तैयार हैं। कार्यकर्ता लगे हुए हैं, खड़गे जी आएंगे साथ में, और कौन कौन वीआईपी आएंगे, किस तरह से एक बड़ी सभा हो? खड़गे जी के अलावा हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी और सब हमारे सभी पूर्व सांसद विधायक वर्तमान के, इन सब के द्वारा यहाँ पर, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो रहा है, इसलिए पूरा कांग्रेस परिवार बूथ से लेकर के शीर्ष तक जो भी कार्यकर्ता हैं सभी शामिल हैं। तो देखिए, कांग्रेस की पहली सभा और बड़ी सभा होने वाली है, माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे वो आएंगे और एक प्रकार से भाले राय मैदान से खड़गे गरजेंगे, इस लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुकेश सिग्बैस, IAS 24/7, जांजगीर चांपा।